नगर निगम करनाल के एसपी दीपक किंगर के द्वारा पुलिस से शिकायत दी गई थी कि उसको कुछ वीडियो भेज के और उससे एक्सट्रोशन के लिए ब्लैकमेलिंग की जा रही है। उस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके और नगर निगम में ही कंप्यूटर ऑपरेटर और उसके साथियों को अरेस्ट किया था। जो उन्होंने नगर निगम कार्यालय की वीडियो जो बनाई गई थी वो सीक्रेट कैमरा लगा करके बनाई थी और वो नगर निगम के एसजी दीपक किंगर अपने पीए से के माध्यम से पैसा लेते हुए उसमें नजर आ रहे हैं। तो इस संबंध में पुलिस अधीक्षक करनाल ने आयुक्त नगर निगम को लिखा था जिसपे एडीसी करनाल द्वारा इंक्वायरी की गई थी और इंक्वायरी रिपोर्ट आने पर इसमें एफआईआर दर्ज की गई है और इससे पहले आरोपी इनके पीए को गिरफ्तार किया जा चुका है और आज एससी दीपक किंगर को गिरफ्तार करके उनका 5 दिन का रिमांड हासिल। आईपीसी क्या थी सर इसमें जो एफआईआर दर्ज की गई? करप्शन एक्ट 7 और 7A सेक्शन करप्शन एक्ट की। तो सर कंप्लेंट लिया गया क्या चीज रिकवर करनी है अभी? वो जो वीडियो थी उसमें भी एक लोकसेवक का मिसकंडक्ट बिल्कुल साफ नजर आ रहा था और रिमांड हमने जो ब्राइब मनी है रिकवर्ड के लिए और जिनके अगेंस्ट ये लेता था वो रिकॉर्ड और जो जो भी लोग इसमें शामिल थे उनके बारे में। शिकायत करता है कोई इसमें? शिकायत है जब इसमें वीडियो ही है सारी और शिकायत करता अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर वीडियो में दिखाई दे रहा पैसा लिखते लेकिन उन्हीं की दरखास्त पे 2 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। हाँ उनका उन्होंने भी उनका रास्ता गलत था वो एक्सटॉर्शन का चाह रहे थे लेकिन लोक सेवक का मिसकंडक्ट भी साथ था। नगर निगम कार्यालय शामिल है चाहे जेई है एसडीओ एमई है या ठेकेदार है उनको शामिल करेंगे जो भी सब होगा सबको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाएंगे और कसूर बाने पे गिरफ्तारी होगी। गिरफ्तारी दलील ये रखी है कि दिस इज द केस वेयर देयर इज नो कंप्लेनेंट एट ऑल। बिना कंप्लेनेंट के नोबडी हैज सेड कि आई हैड एवर गिवन एनी ग्रेटिफिकेशन कि कभी कोई मैंने कोई पैसा दिया है जिसको ये कहते हैं रिकवर करना है। देने वाला है कोई नहीं है रिकवरी जरूर दिखा के ये कहते हैं कि हमने उसके लिए रिकवरी करनी है जी। तो किस तो पे 5 दिन का रिमांड है सर? 5 दिन की ये रिक्वेस्ट थी हमने गुजरात लेके जाना है। अच्छा किस रिगार्डिंग? गुजरात में क्या है सर? गुजरात में पता वो कहीं पर छुपा के रखा हुआ कुछ वहां से रिकवरी। गिरफ्तारी कहां से हुई है इसके ऊपर? गिरफ्तारी फरीदाबाद से हुई है तो उन्होंने खुद सरेंडर किया है इस केस। पुलिस तो कह रही है अरेस्ट किया हमने उनको। खैर वो पुलिस की थ्योरी है जी बट एज पर माई इन्फॉर्मेशन जी। सर वीडियो में जो वीडियो में पैसों का लेन देन हो रहा है वो क्या लेन देन है? आप कह रहे हैं कि कोई कंप्लेनेंट नहीं है इसमें लेकिन जो एडीसी की जांच है वो ये कहती है कि दफ्तर के अंदर जो पैसे का लेन देन है वो हो नहीं सकता। एडीसी साहब की ये जांच है उनकी ये रिपोर्ट आई है कि अगर कोई अपने पीए के साथ मनी एक्सचेंज करता भी है तो मिसकंडक्ट की डेफिनेशन के अंदर भी नहीं आता जी। जो इंक्वायरी उनको मार्क हुई थी वो इंक्वायरी मिसकंडक्ट ऑफ द म्युनिसिपल ऑफिशियल के लिए हुई थी जी बट उनकी इंक्वायरी के अंदर है कि ये मिसकंडक्ट भी नहीं बनता जी। अपने ऑफिस के अंदर किसी से लेन देन करना पैसा एक्सचेंज करना जी तो उसके लिए ये नहीं। तो अब कितने दिन का रिमांड मिला है? अभी रिमांड आई थिंक दैट इज फॉर 5 डेज। 5 डेज के लिए मिला है तो उसके बाद क्या लग रहा है सर क्या कुछ रहेगा मामले में? क्योंकि आप दीपक किंगर के एडवोकेट है सवाल बहुत उठ रहे थे पिछले कई महीनों से जांच लंबी थी जो अरेस्ट हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में पर्चा दर्ज हुआ आप क्रिमिनल एडवोकेट है खुद ही तो क्या लगता है आपको जो एफआईआर दर्ज हुई है जल्दबाजी में कर दी गई है? एफआईआर जल्दबाजी में दर्ज है। अगर इनको अरेस्ट करना था तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे कुड हैव कलेक्टेड दी एविडेंस। सर अगर आपके खिलाफ ये एविडेंस आई है आपको गिरफ्तार करना है सर अगर ये बट इन दिस केस इज अदरवाइज देर इज नो एविडेंस जी बट दे से कि इनको पकड़ के हमने एविडेंस क्रिएट करनी है जी। सर अगर ये निर्दोष थे तो फरार क्यों थे? फरार नहीं थे वो फरार नहीं थे वो अपने वहां पे फरीदाबाद रहते हैं अपने फरीदाबाद थे वो।